बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट, इनोवेटिव स्कूल ऑफ आर्ट, रेनेसां स्कूल ऑफ आर्ट या फिर रिफॉर्म स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है उसको अगर किसी और नाम से जाना जाता है वो है यस ऑफ कोर्स रेनेसां स्कूल ऑफ आर्ट भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए, लेकिन उससे पहले ये भी आप नोट कीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवाइवलिस्ट स्कूल, इसको रिवाइवलिस्ट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन टू में देखिए, टू होम डज द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग गोज। अब नई स्टाइल ऑफ पेंटिंग को लाने का जो क्रेडिट है बंगाल स्कूल में किसको जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है राजा रवि वर्मा, ए बी हेवल या रविंद्रनाथ या फिर श्री गगनेन्द्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि ये क्रेडिट सारा का सारा दिया जाता है एक नए स्टाइल ऑफ पेंटिंग के लिए, वो राजा रवि वर्मा को जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और साथ में सेकंड ऑप्शन अगर आपको आता है तो वो है श्री ई बी हेवल को भी इसका क्रेडिट जाता है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो राइट आंसर यहाँ पर ई बी हेवल भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन थ्री के लिए। अवनींद्रनाथ लर्नड वाटर टेक्निक एंड सिंथेसाइज इट विद यूरोपियन वाटर कलर टेक्निक, ताकि वो क्रिएट कर सके एक नया स्टाइल एज डैश टेक्निक। तो यहाँ पर एक डैश टेक्निक की बात की गई है, इस प्लान को आपको फिल करना है। यूनिक टेक्निक, वॉश टेक्निक, इनोवेटिव टेक्निक, एडवांस टेक्निक। तो राइट आंसर ये सब कोर्स, ताकि वो क्रिएट कर सके एक वॉश टेक्निक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इस ब्लैंक में यहाँ पर वॉश वर्ड आना है, ये वर्ड यहाँ पर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, लेकिन उससे पहले ये भी देखिए, जो अवनींद्रनाथ हैं वो ग्रेटली इंप्रेस हुए थे बाय द मुगल एंड राजपूत पेंटिंग से। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, हु फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जो फाउंड करने का क्रेडिट जाता है किसको जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर यस ऑफ कोर्स ऑप्शन डी है, श्री गगनेन्द्रनाथ ठाकुर को जाता है। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर है। और साथ में श्री ई बी हेवल को भी जाता है। और इसका जो मेन एम था वो भी देखिए क्या था, अगर इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को फाउंड किया गया तो उसका जो मेन मकसद था वो क्या था? टू एनकरेज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट होते हैं उनकी हेल्प से इस ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पेंटिंग को एनकरेज करना। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, हु कॉपीड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता फॉर लेडी हरिंगम। अब किसने कॉपी किया था जो पेंटिंग्स ऑफ अजंता हैं फॉर लेडी हरिंगम के लिए? तो ऑप्शन है असित कुमार हैदर, ए बी हेवल, नंदलाल बोस, श्री गगनेन्द्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ये क्रेडिट जाता है नंदलाल बोस को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अब यहाँ पर बताइए डायरेक्टर कौन थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के? तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड किचनर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। इन डैश यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल करना है। एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स वॉज ऑर्गेनाइज इन विच द पेंटिंग्स ऑफ श्री अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस की वेंकटप्पा वर एग्जीबिटेड। अब वो ईयर बताइए, वो कौन सा साल था जब एक एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग की गई थी? 1906, 1908, 1909 या फिर 1900? तो राइट आंसर है यहाँ पर 1908 में वो एग्जीबिशन लगाई गई थी जिसमें इन सब की पेंटिंग्स को हाईलाइट किया गया था। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, तिश्या रक्षिता एंड बुद्धा एंड सुजाता पेंटिंग्स आर पेंटेड बाय, इनको पेंट करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो सभी ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अवनींद्रनाथ को जाता है इसका क्रेडिट जो है। और दीज पेंटिंग्स वर पेंटेड इन हिस्टोरिकल थीम्स, इनको जो है हिस्टोरिकल थीम्स में पेंट किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए। महाकाली एंड शिव पार्वती वर पेंटेड अंडर विच थीम, जो इनका जो थीम है वो बताइए आप। तो कौन सा थीम होगा? लिटरेरी थीम, रिलीजियस थीम, हिस्टोरिकल थीम या फिर लास्ट ऑप्शन है लैंडस्केप पेंटिंग्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? यस ऑफ कोर्स, जब भी बात करेंगे महाकाली की या शिव पार्वती की तो ये रिलीजियस थीम में आ जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन टेन के लिए।
with the coming of the British in India, there was a decline in Mughal and dash school of painting. एक तो मुगल स्कूल का डिक्लाइन था, यानी पतन हो रहा था, और दूसरा कौन सा स्कूल है जिसका डाउनफॉल हो रहा था? Towards the 19th century, पहाड़ी स्कूल, डेक्कन स्कूल, राजपूत स्कूल या बासोली स्कूल. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, एक तो डिक्लाइन था मुगल स्कूल का और दूसरा था राजपूत स्कूल का. ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग्स एनकरेज द ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट एंड एन इंडियन आर्टिस्ट अवनिंद्रनाथ टैगोर को. तो ऑप्शन आपके सामने है, असित कुमार हैदर, ई बी हेवल, नंद लाल बोस या फिर ई बी हेवल. तो यहाँ पर राइट आंसर, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ई बी हेवल. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. इन द लास्ट जर्नी द एंड ऑफ डैश हैज बीन डिपिक्टेड. अब अगर इस पेंटिंग की बात करें कि तो किसका जो एंड है वो डिपिक्ट किया गया है, गॉट का, कैमल का, हॉर्स का या फिर बियर. तो यहाँ पर राइट आंसर है, यस ऑफ कोर्स, जो एंड है वो कैमल का हाईलाइट किया गया यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हार्डवेयर मर्चेंट और बेगर द लास्ट जर्नी परसेट्रा कम अंडर डैश थीम. अब इनका थीम बताइए, ये किस थीम में आती हैं? लिटरेरी में, सेकंड ऑप्शन है रिलीजियस थीम है, हिस्टोरिकल थीम है, सोशल लाइफ थीम है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, यस ऑफ कोर्स, ये सब की सब पेंटिंग आती हैं सोशल लाइफ थीम की कैटेगरी में. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए. व्हाट डज द पेंटिंग टिलर ऑफ द सोइल डिपिक्ट. अब ये क्या चीज शो करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन यानी इंडियन फार्मर एंड हिज वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, या लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन इंडियन फार्मर एंड हिज वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग फ्रेंच रूल, या फिर एनिमल्स की लाइफ और उनकी वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, या लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन इंडियन फार्मर एंड हिज हैप्पी फैमिली. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑफकोर्स हम कहेंगे यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, कि जो एक कॉमन मैन की लाइफ यानी इंडियन फार्मर की लाइफ दिखाई गई है, वो भी वो वर्किंग कंडीशन के साथ जो ब्रिटिश रूल के अंडर थी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ नंदलाल बोस इज पेंटेड एज वन ऑफ द पैनल्स फॉर द डेकोरेशन ऑफ द पंडाल ऑफ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हेल्ड इन 1937. तो बेसिकली आपको सिर्फ ये नाम देखने हैं, नंदलाल बोस की ऐसी कौन सी पेंटिंग थी इनमें से जो पेंटेड एज वन ऑफ द पैनल्स फॉर द डेकोरेशन ऑफ द पंडाल ऑफ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था. तो यहाँ राइट आंसर है, यस ऑफ कोर्स, टिलर ऑफ द सॉइल, ऑप्शन डी राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16 है, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली होल्ड्स. अब वहाँ पर आपको कितनी जो है नंदलाल बोस की वर्क्स या पेंटिंग मिलेगी, इस ब्लैंक पे फिल करना है. तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है उनकी 7000 पेंटिंग्स आपको मिलेंगी द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द और विच अमंग द फॉलोइंग्स इज नॉट क्रिएटेड बाय अवनिंद्रनाथ टैगोर. इनमें से कौन सी अवनिंद्रनाथ टैगोर की क्रिएशन नहीं है? रासलीला, भारत माता, अशोका स्क्रीन या मूनलाइट म्यूजिक पार्टी. तो यहाँ पर राइट आंसर है, रासलीला उनकी क्रिएशन नहीं है, बिकॉज ये क्रिएशन है किश्तिंद्रनाथ मजूमदार की. तो यहाँ पर ऑप्शन के बिल्कुल डिफरेंट आंसर मैंने आपको फिलहाल दे दिया इसका. हु इज द क्रिएटर ऑफ राधिका ए वर्टिकल पेंटिंग. राधिका एक वर्टिकल पेंटिंग का क्रिएटर कौन है? तो ऑप्शन आप देखिए और राइट आंसर क्या होना चाहिए. सो जो राधिका है एक वर्टिकल पेंटिंग आप उसको बोल सकते हैं, उसका जो क्रिएटर है वो है एम ए आर शिवताई. ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैज क्रिएटेड मेघदूत. मेघदूत की क्रिएशन किसने की है? तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर क्या है, यस ऑफ कोर्स, राम गोपाल विजयवर्गीय जो है उसके क्रिएटर हैं मेघदूत के. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप सो दीज क्वेश्चन विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर लर्निंग अबाउट योर चैप्टर. और फिर भी आपको किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट से